देखिए ये है पूरे नंदी जी जो भोलेनाथ के ऊपर छाया करके बैठे हैं। गुफा से होते हुए आपको यहाँ से जाना है और इस गेट से आप बाहर की ओर आएंगे तो वो रहे सामने गणेश जी। शुरुआत गणपति से होती है, ये रहा यमुनोत्री और देखो बीच में है गढ़। सूंड दिख रही है गणेश जी की बनी हुई, देखो ऊपर तो सिर है और बीच में सूंड का वो बना हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पे और यहाँ से हमें चढ़ के जाना है ऊपर की ओर। यहाँ रही पूरी फैमिली पीछे पीछे, सबसे आगे हमें चढ़ाई बिल्कुल ऐसे खड़ी वाली है, बिल्कुल तरीके से खड़ी वाली चढ़ाई है। बिल्कुल पहुंच चुके हैं हम ऊपर। गांव में है तो गोबर और बछड़े गाय सब मिलेगी आपको। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। जैसे ही आपने नीलकंठ महादेव के दर्शन किए फिर यहाँ से जाएंगे पीछे, और पीछे की तरफ सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे लक्ष्मण झूला। ये रहे उनके दर्शन आप सभी के लिए। यहीं से जाता है एक पास में रास्ता, और यहाँ की सबसे खास बात और सबसे खूबसूरत चीज वो यही है, ये रही मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे तीन चीजें एक साथ है, ये रहे गंगोत्री, ये रही देखो बीच में सारी ना यहाँ पे बारिश में पानी आता है यहाँ, ये रहा यमुनोत्री और देखो बीच में है गढ़। सूंड दिख रही है गणेश जी की बनी हुई, देखो ऊपर तो सिर है और बीच में सूंड का वो बना हुआ है अक्षा, दिख रहा है प्रॉपर। हाँ, और ये है नरनारायण पर्वत। नरनारायण पर्वत वो लक्ष्मण द्वार नहीं लक्ष्मण झूला, और ये है गणेश पर्वत। इधर यमुनोत्री और गंगोत्री। पानी नहीं आ रहा अभी, बारिश में आपको लाइव देखने को मिलेगा। ये तीनों चीजें एक साथ है तो सबसे खूबसूरत है, और सबसे सुंदर तो गणेश जी पर्वत बना हुआ है। देखिए गणेश जी आपको साक्षात दिखेंगे, श्री गंगोत्री जी, और ये है यमुनोत्री जी का मंदिर। मम्मी यहाँ से ले रही है छोटी सी तुलसा जी का पौधा, कहते हैं यहाँ की तुलसा जी अपने घर पे लगानी चाहिए। तो ये रहा इनका पूरा बगीचा जहाँ से ये आपको सभी प्रकार के वृक्ष जो इनके पास लगे हुए हैं पौधे वो सभी आपको दे सकते हैं। तो वो दे रहे हैं मम्मी को तुलसा जी वहाँ से तोड़ करके, कि मम्मी को मिल गए तुलसा जी। आप सभी को पहाड़ के नज़ारे भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी हिल स्टेशन का मजा ले सकते हैं। और किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो ये बिल्कुल भी ना देखें। ये देखें यहाँ पर ये प्योर कच्चा दूध पिला रहे हैं गाय का प्रसाद के तौर पे, क्योंकि ये लोग इसी का भोग लगाते हैं। और मेरे परिवार वाले फुल एंजॉय कर रहे हैं कच्चा दूध पीते हुए, पौष्टिकता ले रहे हैं यहाँ पर आकर कच्चे दूध की। कोई तो दो दो ग्लास पी रहा है, देखते हैं किसने पिए दो दो ग्लास, ज्यादा पौष्टिकता किसने ली। तो अब हम दर्शन करके उतर रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री के। उतरने में तो बहुत आसानी से आप उतर सकते हैं, और बारिश शुरू हो चुकी है तो अब गर्मी थोड़ी सी कम। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ। हमारे तीन धाम हो चुके हैं बद्रीनाथ यमुनोत्री और गंगोत्री, लास्ट बचा है हमारा केदारनाथ जो सबसे टफ डिफिकल्ट और टास्क से भरा जो जगह है वो है केदारनाथ। बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़कर है पहाड़ पर, इसलिए हमने सबसे लास्ट में केदारनाथ के दर्शन किए। ये देखिए ये आ चुका है मंदिर का एंट्रेंस। तो यहाँ से शुरू होते हैं केदारनाथ जी के दर्शन। ये है बहुत सालों पुराना प्राचीन वृक्ष, इसकी झाड़ियाँ देखिए, और वो देखिए सामने है मधुमक्खी का छाता। यहाँ चारों धाम के कुछ छोटी छोटी इम्पोर्टेंट सी स्टोरी है जो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताती जाऊँगी चढ़ते चढ़ते, ताकि हमारी चढ़ने का सफ़र भी ईजी हो जाए और आप लोगों को भी मेरे साथ मजा आए। और यहाँ से शुरू हो चुके हैं, मेरे घंटे पे आ पाएंगे नहीं क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो चलिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आपको बताते हैं कि यहाँ पे कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं आप सभी के चढ़ने के लिए, ताकि जब भी आप प्लान करें तो वीडियो के दौरान आप सभी को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम बता सकें। तो यहाँ पर कुल 300 प्लस सीढ़ियाँ हैं। कोई लोग कहते हैं 362 है, कोई 350, इसलिए हम 300 प्लस मानते हैं। देखिए सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, पूरा जंगल का व्यू, सब आधी आधी सीढ़ियों पर अगर बैठ गए
केदारनाथ भगवान इतनी आसानी से दर्शन थोड़े देंगे। ये देखिए पूरा व्यू ऊपर से, और अभी तो बहुत सीढ़ियाँ बाकी है। और तो फाइनली अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट बाद हम ऊपर पहुंच चुके हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है इसलिए चढ़ना और भी डिफ़िकल्ट हो गया, पर ऊपर आके 10 मिनट अगर आप ब्रेक लेंगे तो आपको फिर बेटर ऑफ लगेगा। तो पहले मैं आप लोगों को मेरे पीछे का व्यू दिखा देती हूँ। पापा लोग वहीं से चढ़ कर आ रहे हैं। हाँ, पूरी सीढ़ियों का व्यू, उसके बाद देखिए आप ऊपर से व्यू। यहाँ से देखे पहाड़ों के बीच में, और ये रहे केदारनाथ बाबा के दर्शन। इसकी पूरी स्टोरी मैं आप सभी को अभी सुनाती हूँ, पहले आप लोगों को नीचे से ऊपर तक का व्यू दिखा दूँ ताकि आप लोग आए तो विजिट करना और आना और भी आसान हो जाएगा। गांव का नज़ारा देखिए, हरियाली और ठंडक, ऊपर से आपको पूरी की पूरी फील भी होगी क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है ऊपर कि जो सीढ़ियों पर आपको थकान हुई, चढ़ने में जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई है। यहाँ भीड़ हो रही है अंदर जाने के लिए मंदिर में, और ये एक गुफा की तरह बनाया हुआ है केदारनाथ धाम, जिस गुफा से होते हुए आपको यहाँ से जाना है और इस गेट से आप बाहर की ओर आएंगे। ये इस तरीके से गुफा, और सब इस तरीके से बैठ बैठ के अंदर जाएंगे। देखिए सब ऐसे झुक झुक के जाना पड़ेगा आपको। सब लोग देखे पूजा करके इसे एक पहाड़ पे और चढ़ना है। गर्मी में हालत खराब। तो ये देखिए, ये है पूरे नंदी जी जो भोलेनाथ के ऊपर छाया करके बैठे हैं, और ये है नंदी जी के कान जो बीच में दरार से दिख रही है, एक इस तरफ एक उस तरफ। सभी अपनी मनोकामना इस कान में बोले और पूरी करें। नंदी जी का मुख बना हुआ है और ये इस तरीके से दो बने हुए। ये है केदारनाथ जी का मंदिर, और यहाँ से अंदर केदारनाथ बाबा बैठा रखे हैं, अंदर विराजमान है। ये है पूरे नंदी भगवान, कान वगैरह मैंने आप सभी को दिखा दिए हैं। और जब आप एंटर करते हैं तो वो रहे सामने गणेश जी। शुरुआत गणपति से होती है। तो बस दर्शन कर लिए हैं, अब हम उतर रहे हैं नीचे, और आपको स्टोरी भी बताती हूँ कि ये चार धाम यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए। तो चलिए आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लगा केदारनाथ धाम? अब जो हमने अक्टूबर में उत्तराखंड का प्लान बना रखा है उसकी क्या हालत होने वाली है? इसके बारे में ये विचार है कि वहाँ ऐसा वेदर होगा नहीं, उसमें कैसे चढ़ेंगे हम लोग? चढ़ लेंगे। आपकी बात नहीं हो रही है, मोटे लोगों की बात हो रही है। पकड़ के ले जाते हैं ना, जैसे यहाँ चढ़ लिए है ना। तो चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये चारों धाम कृष्ण जी की वजह से यहाँ पर आए हैं। अब बताती हूँ कैसे। कृष्ण जी के माता पिता यानी कि नंदी भगवान और अशोकती माता जी ने ऐसे बोला था, कृष्ण जी से अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि हमें चारों धाम की यात्रा करनी है। तो कृष्ण भगवान ने ये सोचा कि मेरे माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो इतनी दूर दूर की यात्रा कैसे करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी लीलाएँ और कुछ षड्यंत्र या फिर जो वो चीज़ें होती है ना, अपनी शक्तियों के थ्रू उन्होंने चारों के चारों धाम यहाँ पर बुलाए डीग में। और चारों के चारों धाम यहाँ पर आने के बाद अपने माता पिता को यहाँ दर्शन कराया, और दर्शन करा के उनकी इच्छा को पूरा किया। इसीलिए चारों धाम राजस्थान में डीग में भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो हम लोगों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है, और हमारी यात्रा बहुत अच्छे से पूरी हुई। जैसे ही पूरी हुई वैसे मौसम बदल चुका है, और बस व्लॉग को कहते हैं यहीं पर एंड। लंच करेंगे, उसके बाद जा रहे हैं हम लोग घर। सुबह से निकले हुए थे और शाम हो चुकी है, तो वन डे में आप चारों धाम इजीली कवर कर सकते हैं। चाहे आप बस से कीजिए, चाहे आप अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन से कीजिए, आराम से आप चारों धाम पूरे कर सकते हैं जो कि है डिग में। तो चलिए, आई होप आप सभी को मेरा ये चारों धाम की यात्रा का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग में नई प्लेस पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।